हम में से ज्यादातर लोगों की सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है, इसीलिए वो कैंसर फैलता नहीं। कैंसर हम सबके बॉडी में है, जिंदगी भर रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। लेकिन कुछ केसेस में, हम में से कुछ लोगों में वो सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया, तो फिर ऑर्गन ने पूछा सिग्नल करके कि ये जो ट्यूमर का सेल है, ये सेल जो नया आया है इसको ले लूं, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया और वो जाके वहाँ पे बस गया। तो ट्यूमर बॉडी के हर सेल में फैलने लगी, इसे हम बोलते हैं कैंसर। सो कैंसर का मतलब क्या है, सिग्नलिंग सिस्टम फेल अगर हो जाए बॉडी की, बॉडी की आपस की जो कम्युनिकेशन है अगर वो बंद हो जाएगा या वो ठीक से नहीं होगा, उसे बोलते हैं कैंसर। यानी कि तब कैंसर फैल गया, कंट्रोल में नहीं है, राइट। अच्छा, तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या करना होगा? कुछ ऐसा कीजिए कि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक कर दीजिए। ठीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर हम अपने बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर लें, कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसको भागना ही भागना है, वो रह नहीं सकता। थैंक यू। ये सब गॉड का बनाया हुआ है, हम सबके अंदर पहले से ही है, सिर्फ इसको ऑन करना, इसको यूज कैसे करना, उतनी छोटी सी बात है, राइट। सवाल ये कि सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करें कैसे, उसके लिए एक सवाल आता है, सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ हुआ कैसे, खराब कैसे हो गया? बहुत सारे कारण हैं उसमें, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, दुनिया भर में, या मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट ये कहते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बात बात पे कोई ना कोई दवाइयाँ लेते रहते हैं, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, पेट खराब है तो दवाई, जब जब आप केमिकल्स लेंगे, दवाई लेंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी, राइट। सो जैसे प्रेगनेंसी पिल्स जो लेते हैं, उनकी सिग्नलिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ कारण कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह से केमिकल जाता है तो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होगा ही होगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी भी तरह का डायग्नोसिस कराते हैं, जिसमें रेज, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीज़ें एक काम करती है, आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब कर देती है। ये हर एक को पता है, कोई भी मेडिकल के फील्ड में कोई भी होगा ना, उससे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो बड़े नॉर्मल बात है। अगर आप दो बार से ज़्यादा एमआरआई कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, तो वो आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप डायग्नोसिस के चक्कर में मत पड़िए। आप डायग्नोसिस करने जाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो एक और बीमारी घर लेके आएंगे, और ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए वो होता है एनुअल चेकअप कराना है, यूं ही साल में एक बार तो सारा चेकअप होना ही चाहिए। साल में एक बार सारा चेकअप होने से सिर्फ एक ही इंसान को फ़ायदा होता है, वो जो चेकअप कर रहा है, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो पेशेंट, आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है 22% मोर कैंसर इन द पेशेंट जो मेमोग्राम स्क्रीनिंग कराते हैं। तो किसी भी तरह का कैंसर की स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर है भी तो स्क्रीनिंग उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनिंग, कोई भी डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस, चाहे वो बायोप्सी की बात करें या कोई एमआरआई की बात करें, वो सारी डायग्नोसिस एक चीज़ करती है, आपके सिग्नलिंग सिस्टम को वो स्विच ऑफ करने का काम करती है, ख़राब करने का काम करती है। तो क्यों आप अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में है? ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी डायग्नोसिस करने जाएंगे, अगर कोई बोलता है मैं आपके खून का एक बूंद ले लूँगा फिर डायग्नोस कर दूंगा, वो अलग बात है, उसमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी लेंगे, ये सारी चीज़ें सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब कर देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी एक पेशेंट का कोई एक ट्यूमर है, वो ट्यूमर है वो साइज में इतना सा है, डॉक्टर के पास गया कि देखिए क्या है, बोलेगा ये पता नहीं लग रहा क्या है, हो सकता है कैंसर हो सकता नहीं हो, कैसे पता चलेगा? बोलेगा कि मैं बायोप्सी करूँगा, मतलब इसमें से थोड़े से मांस का टुकड़ा ले लूँगा और टुकड़ा लेके मैं लैब में डालूंगा और 15 दिन बाद आपको बताऊँगा कि ये कैंसरस है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो कैंसरस नहीं भी था, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ेंगे, काट छाट करेंगे, उस प्रोसेस में वो कैंसरस बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। कैंसरस था नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो वो कैंसरस बन जाएगा। ये प्रवृत्ति है,
किसी भी ट्यूमर की प्रवृत्ति है उसको छेड़ेंगे, उसे काटेंगे तो इमीडिएटली वो कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें काटने के लिए किसी को अनुमति नहीं देनी है। बायोप्सी करेंगे क्या जान के, राइट? दो ही चीज़ हो सकते हैं, तो कैंसरस सेल होगा या कैंसरस नहीं होगा। अगर तो है तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको देने ही वाला हूँ, और अगर तो नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं, क्यों आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा पेशेंट को कि आपको डायग्नोसिस कराने की जल्दी नहीं करनी, डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं देना, सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि उसको हम सॉल्व करें।